कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास स्पेक्ट्रा, यानी कि तीन प्रोसेस या किसी मास स्पेक्ट्रा को डिटरमाइन किया जाएगा। एक प्रोसेस है दैट इज एग्जैक्ट मास, दूसरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है आइसोटोपिक अवेयरनेस, और तीसरे को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेगमेंटेशन। ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो आप बहुत आसान है, एग्जैक्ट मास और आइसोटोपिक अवेयरनेस तो एक ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और तीसरा आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। हमें किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो मॉलिक्यूल का मास जानने के लिए एटॉमिक मास तो पहले पता हो। बेसिक तौर पे अगर हम समझें तो मेरे पास जैसे कि कोई पर्टिकुलर एटॉमिक मास के तौर पर रिप्रेजेंट करें, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, सल्फर का होता है 32, फॉस्फोरस का होता है 30, कुछ इस तरीके से जो है कंपोनेंट आप रिप्रेजेंट कर लेते हो, चौंस ऐसे ही कहलाते हैं। ये जो बेसिक हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज एटॉमिक मास के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो मास आप देख रहे हैं 12, 1, 16, 14, 32 या 30, ये एक अप्रोक्सीमेट मास है या एग्जैक्ट मास होते हैं कंपोनेंट के। ये जो मास है ये एक अप्रोक्सीमेट मास है, एग्जैक्ट मास जो है वो ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट मास थोड़ा सा अलग होता है। अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ऑक्सीजन का एग्जैक्ट मास 16 होता ही नहीं है, ऑक्सीजन का जो एग्जैक्ट मास होता है वो होता है 15.99, ये वैल्यू होती है, बट हम इसको अप्रोक्सीमेट तौर पे जो है 16 रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम समझने की कोशिश करें तो एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मास मिलते जुलते टर्म्स हैं, और किसी एक आइसोटोप फॉर्म का जो है मास किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और उसके अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो कंडीशंस हम पढ़ने वाले हैं वो है एग्जैक्ट मास। जब भी हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं किसी जनरल केमिस्ट्री में, तो हम जिस पर्टिकुलरली मास को रेफर करते हैं या यूज करते हैं वो एक तरीके से एक नॉमिनल मास के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉमिनल मास जो है एक एवरेज मास के तौर पर यूज किया जाता है, और उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है नियरेस्ट इंटीजर तक। लेकिन एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफर कर रहा होता है नॉमिनल मास से। कैसे, चलिए समझते हैं। अगर आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, तो इस टेबल में जो है कुछ आइसोटोप्स मेंशन होते हैं और कुछ जो है बेसिक तौर पे उनका एबंडेंस भी रिप्रेजेंट किया गया है। बट जरा देखिएगा, ये हाइड्रोजन है 1H1, हाइड्रोजन का जो नॉमिनल मास या जिसको हम बोलते हैं एक अप्रोक्सीमेट मास, जिसको हम लिख देते हैं 1, बट दिस अप्रोक्सीमेट मास या नॉमिनल मास इसको 1 रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का नॉमिनल मास 1 होता ही नहीं है, ये होता है 1. एग्जैक्ट मास 1.0079 होता है। इसको अप्रोक्सीमेशन कर लिया जाता है, नियरेस्ट इंटीजर के लिए लिया जाता है, तो वो 1 के आसपास आता है। जबकि 1H2, जिसको हम ड्यूटेरियम के तौर पे डी के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, 1H2 का जो एग्जैक्ट मास होता है वो 2.0140 होता है, लेकिन नॉमिनल या अप्रोक्सीमेट तौर पे हम उसको 2 मान लेते हैं। जो कार्बन 12 है ये इकलौता ऐसा एटम जाना जाता है, ठीक है, एटम मतलब जो आइसोटोप्स नहीं है जो नेचुरल फॉर्म में है, कि जिसका जो एग्जैक्ट मास है वही इसका नॉमिनल भी है। लगभग लगभग देखें तो 12.000, मतलब 12 ही इसका एग्जैक्ट मास है और 12 ही इसका नॉमिनल मास है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाकी एटम्स के जो एटॉमिक वेट कैलकुलेट किए गए थे 12 यानी कार्बन को एज अ रेफरेंस लेके किए गए थे, दिस वाज द रेफरेंस, और इस रेफरेंस से बाकी जो एटम्स के मास कैलकुलेट किए गए, और क्योंकि जो रेफरेंस है उसमें जो है इसी वजह से एरर मिला, क्योंकि ये खुद के लिए जो है जीरो एरर शो करेगा, और इसीलिए इसके नॉमिनल और एग्जैक्ट मास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कार्बन 13 एक आइसोटोप है कार्बन का, जिसका कि 13.003 एग्जैक्ट मास है, लेकिन नॉमिनल 13 है। वैसे नाइट्रोजन 14 का है, वैसे नाइट्रोजन 15 का है, वैसे ऑक्सीजन 16 का है, तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट मास और नॉमिनल मास में कहीं ना कहीं देयर इज सम लिटिल बिट डिफरेंसेस। एग्जैक्ट मास और नॉमिनल मास में कहीं ना कहीं कुछ जो है वो क्या है, डिफरेंसेस। ठीक, और हम जो कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक है ना, कंसिडरेशन के तौर पे अगर बात किया जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नॉमिनल मास यानी अप्रोक्सीमेट मास को जो है मोस्टली यही यूज होता है, एग्जैक्ट मास जो है सभी को याद नहीं रहता। मोस्टली जो हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए या बेसिक किसी भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन सभी चीजों में जो है आप नॉमिनल मास यूज करते हैं। याद रहे कि नेटिव फॉर्म में जो है कार्बन, यहाँ कार्बन 12 एक नेटिव फॉर्म है, नेटिव तो सभी है लेकिन कार्बन 12 जो है ये नॉन आइसोटोपिक फॉर्म है। कार्बन
कार्बन 13 आइसोटोपिक है, वैसे नाइट्रोजन 15 भी एक आइसोटोपिक फॉर्म है। वो यहाँ पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन 15 का भी जो एग्जैक्ट और नॉमिनल बराबर है, लेकिन दैट इज नॉट अ नेटिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इनके अबंडेंस को देखिए। रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये होता है कि जितने भी आइसोटोपिक फॉर्म किसी कंपोनेंट या किसी भी पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल का पाया जा रहा है। हाइड्रोजन के तीन, वैसे तो एक नेचुरल फॉर्म होता है, दो आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन इस केसेस में देखें तो 1H जो है वो 99.985 टाइम्स एबंडेंट है। दैट तो सिंपली मींस कि अगर 100% टोटल एबंडेंस है हाइड्रोजन के पूरे फॉर्म में से, तो उसमें उन सारे फॉर्म्स में से जितने भी हाइड्रोजन के फॉर्म्स है उन सारे फॉर्म्स में से 99.985% जो है वो 1H यानी कि प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि ड्यूटीरियम जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज 0.015% में। वैसे ही आप कार्बन नंबर 12 को रिप्रेजेंट करें तो इसमें जो है 98.90, ये कार्बन का नेटिव फॉर्म है। लगभग 100% में से 98.9% जो है वो कार्बन 12 है। नाइट्रोजन 14 का जो नेटिव फॉर्म है 99.63, ऑक्सीजन 16 का जो नेटिव फॉर्म है 99.76। ये कनिसेस जो आपको क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये नेटिव फॉर्म्स है। अगर आप देखिए तो जो भी नेटिव फॉर्म्स है उन सभी का जो रिलेटिव अबंडेंस है वो हाई है, जबकि जो आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं उनका रिलेटिव अबंडेंस क्या है, कम है। सो आइसोटोपिक फॉर्म के रिलेटिव अबंडेंस लेस होते हैं, जबकि नेटिव फॉर्म्स जो होते हैं उनके अबंडेंस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दो टर्म्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जैक्ट मास और नॉमिनल मास, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वी कंसिडर नॉमिनल मास फॉर बेसिक कैलकुलेशन, बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो हमें एग्जैक्ट मास भी बता सकता है। एग्जैक्ट मास, नॉमिनल छोड़ो, पॉइंट के मास भी बता सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मास स्पेक्ट्रा विल डिस्कस या विल टेल अबाउट द एग्जैक्ट मास। नॉमिनल तो छोड़िए, वो हमें क्या बता देता है, एग्जैक्ट बता देगा। दूसरा, ये आइसोटोपिक एबंडेंस को भी बताएगा, क्योंकि कौन सा आइसोटोपिक फॉर्म है वो ग्राफ को देख के जो है हमें उसके एबंडेंस के फॉर्म में पता चल जाता है। एंड दिस कैन आल्सो टेल फ्रेगमेंटेशंस। अभी फ्रेगमेंटेशंस अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पे आपको एबंडेंस को एक बार और रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्ट मास और नॉमिनल मास में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। एबंडेंस के तौर पे जरा इन दो एग्जांपल्स को देखिए। एक एग्जांपल है कार्बन 12 H4 का, और जबकि कार्बन 12 का आइसोटोप नेचुरल फॉर्म है, हाइड्रोजन भी नेचुरल, और एक है कार्बन 13 का हाइड्रोजन 4 के साथ। तो हमने ये जो वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई एबंडेंस की, इसी वैल्यूज का यूज करते हुए, कार्बन का 98.9 था तो उसको हमने 1 के रेंज में रखा, मतलब पॉइंट के रेंज में रखा, तो ये 0.989। और फिर बाकी हाइड्रोजन के 4, उनका अपना एक एबंडेंस, सभी को मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो है इसका रिलेटिव एबंडेंस आ रहा है। अगर दोनों ही नेटिव फॉर्म में है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, तो देखिए एबंडेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कार्बन 13 के फॉर्म में है और हाइड्रोजन नेटिव फॉर्म में, मतलब कार्बन एक आइसोटोप के फॉर्म में हो गया, तो इसका एबंडेंस कम हो गया। तो कहीं ना कहीं जब ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राफ पे कुछ इस फॉर्म में, तो एबंडेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो जिसका एबंडेंस कम होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, जिसका एबंडेंस ज्यादा होगा वो ऐसे। तो यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे जो है क्या एक्सिस रखा जाता है, रिलेटिव एबंडेंस, और उस रिलेटिव एबंडेंस इधर होता है और ये m/z होता है। तो इस ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इस ग्राफ का सीधा सा मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जितना पीक होगा उतना उसका रिलेटिव अबंडेंस होगा, जिस ग्राफ का पीक ज्यादा उसका रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये एबंडेंस की बात हो रही है या रिलेटिव अबंडेंस की बात हो रही है? ये एबंडेंस की बात हो रही है, रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब जितने अवेलेबल हैं उसमें से कौन सबसे ज्यादा है, कि पूरे यूनिवर्स में सबसे कौन ज्यादा है, ये बात हो रही है। ये बोला जा रहा है कि जितने भी कार्बन के आइसोटोप्स है उनमें से कौन सा जो अवेलेबल है, उनमें से जो हमारे पास ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे एक एटम के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मॉलिक्यूल के तौर पे भी तो रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। मॉलिक्यूल के तौर पे अगर मैं समझने की जरा कोशिश करूंगा तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जनाब कि हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में कई अलग अलग फ्रेगमेंटेशन टूट रहे होंगे, और उनमें से जो फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा होगा फिर उसका अवेयरनेस किया जाएगा। यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन थे वो तो कार्बन हाइड्रोजन के बेसिस पे शो किया गया, और हमें फिर फ्रेगमेंट के बाद जो अवेलेबल फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो फ्रेगमेंट होगा उस हिसाब से अवेयरनेस देखी जाएगी। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको एक बार फिर से जब मैं फ्रेगमेंटेशन पे लेके आऊंगा, तब फिलहाल एबंडेंस पीक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है?
जैसे आप इन्हीं दो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कार्बन नंबर 12 अगर नेचुरल नेटिव फॉर्म था तो इसका अबंडेंस लगभग लगभग 98.8% था, 98.84%। ये देखिए इसका अबंडेंस लगभग लगभग रिलेटिव अबंडेंस 98.84 के आसपास है। जबकि जब कार्बन 13 था तो इसका अबंडेंस अप्रोक्सीमेट जो है वो 91.1% के आसपास आ गया। देखिए बहुत माइन्यूट अबंडेंस है, तो इसका अबंडेंस जो है काफी मैं एबंडेंस के तौर पे ये रिलेटिव टर्म में बात की जा रही है कि किसका ज्यादा किसका कम। हर पीक का एबंडेंस जो है उसके सबसे मैक्सिमम से कंपेयर होता है और उसके बेसिस पे जो देखा जाता है कि किसके एबंडेंस कितने। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि क्यों एबंडेंस में फर्क आने की वजह से पीक में जो है डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पीक इज